डायरेक्ट प्लान में रोकाणकार डिस्ट्रीब्यूटर अथवा एजेंट पास गया विना सीधा म्यूचुअल फंड में रोकाण कर सके छे। त्यां बीजी बाजु रेग्युलर प्लान में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अथवा एजेंट की मदद थी रोकाण करवामां आवे छे। टेक्नोलॉजी वधता उपयोग ने कारण डिस्ट्रीब्यूटर आधारित रेग्युलर प्लान की कॉस्ट घटी छे, जेना कारण लोग ने डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा रोकाण करवानुं अनुकूल आवे छे, ज्यांथी तेओ सलाह लई शके छे अने तेना माटे वधु खर्च पण नथी करवो पड़तो। बीजी तरफ रेग्युलर प्लान की सरखामणीए डायरेक्ट प्लान सस्ता होय छे, परंतु तेमां कोई सपोर्ट के गाइड करनारुं नथी होतुं। डायरेक्ट प्लान अने रेग्युलर प्लान कोई एक ज म्यूचुअल फंड स्कीम में मळनारा बे विकल्पो होय छे, जेमां पोर्टफोलियो अने फंड मैनेजर समान होय छे। तफावत मात्र खर्चना गुणोत्तरमां एटले के तेमना पर थयेला खर्चमां होय छे। रेग्युलर प्लान की सरखामणीमां डायरेक्ट प्लान में खर्च ओछो होय छे, वळी ओछा एक्सपेन्स रेशियो ने लीधे ऊंचो रिटर्न मळे छे અને તેનાથી લાંબા ગાળાના રોકાણકારોને ફાયદો થાય છે। જો કે ડાયરેક્ટ પ્લાનમાં રોકાણ કરવા માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વિશે પર્યાપ્ત જ્ઞાન અને જાગૃતિની જરૂર હોય છે।